पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदांत सार में विचार चल रहा है अध्यारोप अपवादाभ्यम निष्प्रपंचम प्रपंचते, ये न्याय है। निष्प्रपंच परब्रह्म का ज्ञान कराने की प्रक्रिया प्रणाली, प्रतिपादन करने की प्रक्रिया प्रणाली, उसको कहते हैं यहाँ पर न्याय। तो वो जो निष्प्रपंच परब्रह्म सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म वो वस्तु है। वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप। तो अज्ञान अज्ञान का कार्य, ये दोनों का अध्यारोप हो रहा। और अज्ञान से होने वाला कार्य, उस कार्य का परब्रह्म कारण है। श्रुति कहती है कि सर्वम खलोदम ब्रह्म न्यः नानास्ति किंचन एकं वा द्वितीयम्। सृष्टि से पहले नाम रूप कुछ था नहीं, सदैव सम्य इदम् अग्र्यासीत्। इसलिए सृष्टि से पहले ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, परमाणु आदि भी नहीं। इसलिए परब्रह्म जो पहले रहेगा उसको ही कारण कहा जाएगा। इसलिए परब्रह्म ही कारण है और नाम बुरा कुछ है ही नहीं सृष्टि से पहले। इसलिए परब्रह्म को विवर्त उपादान ही कहा जाएगा। विवर्त आगे बताया जाएगा। एक विवर्त होता है, एक परिणाम होता है कार्य।
यस्तात्विको अन्यता भाव परिणाम उदीरितः, जो तात्विक होकर के अन्य रूप से भासे जो कार्य, उसको परिणाम कार्य कहा जाएगा। जैसे दुग्ध से दही हो गया, दुग्ध भी तात्विक है व्यवहारिक, और दधि आदि भी व्यावहारिक पदार्थ है, तात्विक है। यह परिणाम होता है। और अतात्विको अन्यता भावो विवर्तः सउदीरित, अतात्विक होकर के जो अन्य रूप से भासता हो कार्य कारण की अपेक्षा से, उसको विवर्त कार्य कहा जाएगा, वो कारण को विवर्त उपादान कहा जाएगा। जैसे रज्जु से सर्प है, सुक्ति से रजत आदि है, इसी प्रकार परब्रह्म को विवर्त उपादान कारण कहा जाएगा। वो निमित्त कारण भी है, क्योंकि वो चेतन है, चेतन में ही सोपादान अपरोक्ष ज्ञान होगा, कार्य का जो उपादान है परिणामी उपादान माया, उसका ज्ञान है उनको चेतन होने से, इच्छा भी होगी कृति भी होगी। सोपादान अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्तम, यही पर ब्रह्म में आएगा, वो भी उपाधि को लेकर के। इसलिए परिणामितया परब्रह्म में उपादानत्व न होने पर भी, परिणामितया उपादान नहीं है परब्रह्म, फिर विवर्त अधिष्ठानतया उपादानत्व है। औदेशितिकार कहते हैं विवर्त अधिष्ठानतया परिणामित्व संभवात्। तो विवर्त अधिष्ठानत्व क्या है? तो विवर्त उपादान अज्ञान विषयत्व विवर्त अधिष्ठानत्व, ऐसा है। तो विवर्त को लेकर भी उपादान माया बनेगा, माया के बिना कारण परब्रह्म ही नहीं सकता। इसलिए सुरेश्वराचार्य बृहदारण्यक वार्तिक में लिखते हैं, अस्य द्वैतेन्द्र जालस्य यत उपादानम कारणम अज्ञानम तत उपाश्रित्य ब्रह्म कारणम उच्यते। ये वार्तिक माया लिख लीजिए, अस्य द्वैतेन्द्र जालस्य, अस्य द्वैतेन्द्र जालस्य अस्य द्वैतेन्द्र जालस्य यत उपादानम कारणम, यत उपादानम कारणम पूर्वार्ध हो गया, उत्तरार्ध अज्ञानम तत उपाश्रित्य, अज्ञानम तत उपाश्रित्य ब्रह्म कारणम उच्यते, ब्रह्म कारणम उच्यते। हो गया शर्मा जी, लिख दिया। फिर देखो, अस्य द्वैतेन्द्र जालस्य यत उपादानम कारणम पूर्वार्ध, अज्ञानम तत उपाश्रित्य ब्रह्म कारणम उच्यते, ब्रह्म कारणम उच्यते। ब्रह्म को कारण कहा जाता है वेदांत में। कैसे कहते हो भाई? बोलते ये जो जितने भी संसार दिखाई दे रहा है कार्य वर्ग,
ये इंद्रजाल की तरह है, अस्य द्वैतेन्द्र जितने भी द्वैत दिखाए जा रहे इंद्रजाल की तरह है, अर्थात वास्तविक नहीं है, मिथ्या है। यत उपादानम कारणम, उसका भी उपादान अज्ञान है, अज्ञान ना हो तो संसार नहीं है ना, अज्ञान हो तो संसार है, अज्ञान न हो तो संसार नहीं है। और ऐसा अज्ञान, अज्ञानम तत् उपाश्रित्य, अज्ञान को उपाश्रय करके मतलब अज्ञान का अधिष्ठान होकर के, ठीक है ना भाई, अज्ञान का विषय होकर के दो अर्थ निकलेगा। अज्ञानम तत् उपाश्रित्य कहने से उस अज्ञान का अधिष्ठान होकर के और उस अज्ञान का विषय होकर के, है ना, ब्रह्म को कारण कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए अज्ञान अधिष्ठानतया अज्ञान विषयतया, ये उपाश्रित्य का अर्थ निकलेगा। अज्ञान अधिष्ठानतया अज्ञान विषयतया ब्रह्म को कहते हैं कारण, कारण जगत का कारण बनेगा। तो ब्रह्मा विवर्त अधिष्ठान है, तो विवर्त उपादान है और कार्य है विवर्त कार्य है, तो विवर्त कार्य जो होता है अपने विवर्त उपादान से भिन्न नहीं होता है। और निमित्त कारण भी पर ब्रह्म, कल बदला दिया हमने, माई का ज्ञान, माई का इच्छा, माई का कृति, उसका भी अधिष्ठान पर ब्रह्म होता है, इसलिए निमित्त कारण भी वही है ना। और जगत कार्य स्व विवर्त उपादान पर ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए ब्रह्म को कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। दृष्टांत दे दिया जो मुंडक आदि उपनिषद में आता है, यथा उन्न नाभि सृजते गिन्नते च, जैसे मकड़ी जाले को बना लेती है और लीन भी कर लेती है, इसलिए मकड़ी उपादान भी है और निमित्त भी है। चेतन की प्रधानता से निमित्त है, उपाधि की प्रधानता से, शरीर की प्रधानता से उपादान भी हो जाती है। अब तार्किक लोग बोलेंगे, देखो कारण गुणा कार्य गुणा आरंभन्ते, तो वो तो चेतन है, चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न हो जाएगा, दोनों में तो समान गुण होना चाहिए, तंतु में जो रूप है वही रूप होता है पट में, है समान गुण होना चाहिए ना, ये कोई जोर नहीं है, हाँ तंतु में जो गुण है वही सारा गुण आता है क्या पट में, नहीं आता है ना। तंतु से सिलाई करते हो, है ना, तंतु में जो सिलाई गुण है वो पट में आता है, नहीं आता है, ये कोई जोर नहीं है। कारण का गुण कार्य में आ जाएगा, ये उपसिद्धांत है। इसलिए श्रुति भी कहती है यथा पृथिव्याम औषधय, हाँ पृथ्वी से वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं, पृथ्वी जड़ है तो वृक्ष कैसे हो गया चेतन, ऐसा है बहुत सारे दृष्टांत वहाँ पर है। जैसे पुरुष से केश लोम उत्पन्न हो जाते हैं, ये तो चेतन है वो तो जड़ है। इसी प्रकार परब्रह्म से क्यों नहीं होगा, सारा जड़ उत्पन्न क्यों नहीं होगा, है ना। तो दृष्टांत एक दे दिया और भी बहुत सारे दृष्टांत हो सकते हैं, यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधान, शरीर है उपाधि, अपने शरीर की प्रधानता से उपादानम च भवति, वो मकड़ी लूता जो उन्नना भी हाँ उपादान भी होती है। उसी प्रकार परब्रह्म को समझना चाहिए, इसलिए ये जगत अभिन्न निमित्त उपादान का हुआ है ना,
और नैया को कुछ समझाने के लिए सुख दुख का भी दृष्टांत देते हैं। तुम सुख दुख को मानते हो ना, सुख दुख को आत्मा का धर्म मानते हो तुम, हम लोग तो नहीं मानते हैं तुम्हारे अनुसार है। इसलिए और इसको कहते हैं अभिपगम बात। तो सुख दुख को तुमने आत्मा का धर्म मान भी लिया, तब तो भी आत्मा अभिन्न निमित्त उपादान का होगा। ये सुख दुख बनाने के लिए आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, किसी उपादान की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही उपादान है। आगे देखो, अब जो है सृष्टि का क्रम को बता रहा है। अज्ञान की एक आवरण शक्ति हुई और अज्ञान की एक विक्षेप शक्ति हुई। तो आवरण शक्ति जो है स्वरूप आत्मा को, अधिष्ठान को तो आवृत कर लेती है। बुद्धि आवृत होने से आत्मा भी आवृत कह दिया जाता है, गौण प्रयोग है, अर्थात अधिष्ठान आत्मा का विशेष भान नहीं होने देता है। और विशेष सत्व का ये भान नहीं होता है, आगे बताया जाएगा। असत्व आपादक आवरण और अभान आपादक आवरण, और कई कई विद्वान लोग अनानंद आवरण भी कहते हैं, अनानंद आवरण, आनंद अंश का भी भान नहीं होता है विशेष रूप से। तो वो कहने के बाद विक्षेप शक्ति होती है। तो जो विक्षेप शक्ति प्रधान जो अज्ञान है उसका कार्य है सृष्टि। ये जगत परब्रह्म में है ही नहीं। सृष्टि से पहले कोई कार्य था ही नहीं, फिर भी दिखाई दे रहा है प्रपंच, ये विक्षेप शक्ति से है। लेकिन ये सृष्टि का क्रम भी इसके साथ साथ कह रहे हैं। तम प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञान उपहित चैतन्यात आकाश, आकाशाद वायुर, वायुरग्निर, अग्निर आपो, अद्भ्यः पृथ्वी च उत्पद्यते। यही ना पाठ है आपके वहाँ, क्योंकि इस पुस्तक में आगे पीछे कभी कभी होता है। तो हम तो श्रुति के अनुसार विचार करते हैं, हमारी प्रधानता है श्रुति, युक्ति प्रधानता नहीं है हमारे यहाँ। तो श्रुति बोलती है कि यतो वा इमानि भूता न जानते, तैतरीय उपनिषद में आया, यतस्मा जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च, मन की भी उत्पत्ति होती है। ठीक इसी प्रकार एक दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ पर, प्राण दिखा रहा है कि तस्माद वाय तस्माद आत्मनो आकाश संभूत, श्रुति बोलती है उस आत्मा से, कि किस आत्मा से, जिस आत्मा को केवल सत्रूप कहा गया, सदैव सम्यक् इदम् अग्रासीत् एकमवाद्वितीयम् कहा गया, उसी आत्मा से ही सब कुछ उत्पन्न होते हैं, आकाशादि भी उत्पत्ति होती है। आकाश संभूत कहने से तो ये नैयायिकों का जो आकाश में नित्यत्व है उसका खंडन होता है। आपको अगर नहीं, आकाश की अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं अभिव्यक्ति मानते हो लोग, है ना, ऐसा अर्थ कर लेते हैं। हाँ, तो श्रुति से विरोध है। श्रुति कहती है सदैव सम्य बोलती है श्रुति, सद ब्रह्म से कुछ अतिरिक्त था ही नहीं, तो आकाश को कैसे मानोगे? श्रुति विरुद्ध है वो।
भगवान गीता में कहते अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, स्मृति भी कहती है। तो सर्व कहने से संकोच क्यों करोगे? हाँ, नहीं, आकाश आदि से अतिरिक्त को लेना चाहिए सर्व शब्द से, इसको कहते संकोचक। बिना प्रमाण से संकोच नहीं किया जाता है, है ना। संभव यदि हो तो संकोच नहीं किया जाता है। जैसे मान लो सर्वे महात्मना भुज्यंताम ऐसे बोल दिया, जितने भी महात्मा सबको भोजन कराओ, ठीक है जी। तो सर्व कहने से यहाँ पर संकोचक तो हो जाएगा, है हाँ, संकोचक हो जाएगा। क्यों भाई? सारे हरिद्वार के जितने महात्मा है भोजन कराना संभव है? अभी तो संभव हो सकता है ठंडी के समय नहीं, कुंभ मेला हो जाएगा तो कैसे कराओगे? जगह ही नहीं होगी आश्रम में, दिन रात भी चलाओ तब भी नहीं हो सकता, इतने महात्मा होते हैं। ठंडी के समय तो हो जाएगी, तो संकोचक हो जाएगा असंभव है ना कराना। लेकिन आश्रम के सही महात्मा को भोजन कराओ कहेंगे तो संभव है, संभव है। संभव यदि होगा तो सर्व यहाँ पर संकोचक नहीं होता है, संकोचित नहीं हो जाएगा उसका अर्थ, है ना। इसलिए जो है श्रुति तो कहती है जो है सदैव समय एकदम आग्रासित कहती है श्रुति, एक बाद उद्यम कहती है श्रुति, सृष्टि से पहले कुछ था ही नहीं, है ना। और आकाश को कैसे मानोगे पहले था? इसलिए अहम सर्वस्य भगवान ने कहा, तो वहाँ पर सर्व जो है संकुचित हो जाएगा, नहीं आकाश आदि से अतिरिक्त जो है वो सर्व होगा, ऐसा अर्थ नहीं होता है तो श्रुति प्रमाण है। तो कहते हैं कि तम प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञान। तो ये जो तो मानते हो परिणाम कारण में जो गुण रहता है, परिणत कार्य में वही गुण होता है, ये जो कहते हो ना कारण गुणा कार्य गुणन आरभन्ते, ये परिणाम में बन सकता है, विवर्त में नहीं बन सकता है। अरे भी सत्र सर्वत्र बनेगा ये कोई जरूर नहीं है, नहीं भी हो सकता है। यदि मानते हो कि नहीं कारण का गुण कार्य में दिखता है तो ये मानो, ये प्रक्रिया है ना। इसलिए कार्य में क्या दिखता है? तमोगुण का कार्य दिखता है, जड़ता दिखती है, जगत में जड़ता दिख रही है, पंच महाभूतों में उसके कार्य में जड़ता दिख रही है, जड़ प्रधानता दिख रही है। इसलिए कारण में भी जड़ प्रधानता होनी चाहिए, इसलिए तमोगुण को मानना होगा। इसलिए कह रहे देखो तम प्रधान, तम प्रधान जो अज्ञान, और कैसा अज्ञान है? विक्षेप शक्ति, देखो विक्षेप शक्ति कह रहे हैं, ये तम प्रधान विक्षेप शक्ति वाला जो है अज्ञान, अज्ञान। और ये अज्ञान जो है उपाधि, अज्ञान उपाधि है, और उपाधि से युक्त होता है चेतन, चेतन विशिष्ट चेतन, विशिष्ट चेतन ही कारण बनता है, शुद्ध चेतन तो कोई कारण है ही नहीं, उसमें कारणता नहीं आ सकते। अज्ञान उपहित चेतन, तो चेतन ज्ञात, उस चेतन से आकाश, आकाश की उत्पत्ति होती है। उसने इच्छण किया, तत् एक क्षत, चेतन ही इच्छण करता है, जड़ पदार्थ तो इच्छण नहीं करेगा। ब्रह्म सूत्र में सुनेंगे इच्छतेर ना शब्दम, श्रुति बोलती है तत् एक क्षत, परमात्मा ने इच्छण किया, कारण ने इच्छण किया। आ तुम्हारे जो प्रधान जो है, प्रधान बोलते हो, प्रधान कैसे इच्छण करेगा? वो तो जड़ है जी इसलिए ये तुम्हारा प्रधान कारणाबाद
वो भी खंडित होता है, और परमाणुवाद ये भी खंडित होता है नियमों का। कि श्रुति तो सदैव समय बोलती है, परमाणु है ही नहीं वहां पर सृष्टि से पहले। सृष्टि से पहले तो सद्ब्रह्म ही था, नाम रूप कुछ था ही नहीं। तो परमाणु जब था ही नहीं तो परमाणु कारण बात कहाँ से बनेगा। और दूसरी बात तुम बोलते हो ना परमाणु में नहीं क्रिया हो जाएगी भी, परमाणु में क्रिया हो जाएगी, संयोग हो जाएगा फिर परमाणु में संयोग। अरे परमाणु को निरवय बोलते फिर संयोग कहाँ से होगा। संयोग कहते अव्याप वृत्ति है, तो फिर जो परमाणु का कौन सा अवयव है तो उसमें संयोग होगा। संयोग मानोगे तो सावयव हो जाएगा फिर, और सावयव हो जाएगा तो क्या होगा, अनित्य हो जाएगा। इसलिए परमाणु बात युक्ति से भी खंडित होता है और श्रुति से तो खंडित है ही, वो परमाणुवाद भी नहीं बनता है। तो यह वेदांत सिद्धांत है, वही चेतन से आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश साथ वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। आकाश से वायु की उत्पत्ति का मतलब आकाश भावापन्न चेतन। इसलिए वायु का भी कारण केवल आकाश को नहीं समझना है, कारण तो परब्रह्म ही होता है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान कहते हैं मैं ही कारण हूँ, मेरे से ही सबकी उत्पत्ति है। तो आकाश से वायु की उत्पत्ति का अर्थ है आकाश भावापन्न चेतन परमात्मा, उससे वायु की उत्पत्ति। वायोर अग्नि, वायु से अग्नि, यहाँ पर भी ऐसा समझना है। वायु भावापन्न चेतन, सर्वत्र ऐसा समझ लो। अग्नि से आपह, आपह, आप में प्रातिपदिक, प्रातिपदिक क्या होगा, आपह व्याकरण पढ़े हो, क्या होगा आप शब्द अप होता है, अप शब्द होता है, अप का प्रथमा बहुवचन, और एक वचन क्या बनेगा, एक वचन नहीं होता है। नित्य बहुवचनांत आपह अपह अद्भि ही ऐसा बनता है, प्रथमा बहुवचन हो गया आपह। देखो फिर पंचमी बहुवचन है अद्भ्यः, अपो भी पकार को दकार हो जाएगा। अद्भ्यः मतलब जल से, मतलब है अपभावापन्न, अब भावापन्न चेतन से पृथ्वी की उत्पत्ति है। पृथ्वी च उत्पद्यते, ये सब विवर्त है, दिखते हैं लेकिन सत्य है ही नहीं, यही विवर्त समझ लो। ये सर्प दिखता है लेकिन होता नहीं तीनों काल में, ये रस्सी ही सत्य है जैसे। उसी प्रकार जो आकाश है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नामम चेतंस पंचकम, और आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम ततोदयम जगत रूपम। ये इसलिए सर्वत्र जो अस्ति 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 अंश है वही है विवर्त अधिष्ठान चेतन, वही सत्य है। बाकी जितने भी घट नाम रूप जितने भी है ये सब क्या है, विवर्त कार्य है अर्थात मिथ्या है। श्रुति इसमें प्रमाण दिखा दिया कि जगत का कार्य वर्ग का, समस्त कार्य वर्ग का विवर्त उपादान निमित्त कारण एक परमात्मा ही है। तस्माद वा ए तस्माद आत्मन, देखो तस्मात कहा एतस्मात कहा, कहने से तात्पर्य क्या है, तत्पद का जो लक्षार्थ है जिसको सत शब्द से कहा, हाँ उसी चेतन से, उसी शुद्ध चेतन से समझ लो। शुद्ध चेतन ही कारण होता है माया को लेकर के, है ना। इसलिए तत्पद का लक्षार्थ शुद्ध चेतन, वाच्यार्थ तो विशिष्ट होता है,
उसको जो कारण के दृष्टि से देखते हैं तब उसको जो है वो विशिष्ट कहते हैं, कारण बोल देते हैं, है ना। उसमें कारणता का आरोप करते हो, कारणता का आरोप करते हो इसलिए शुद्ध चेतन को ही कारण बोल देते हैं। लेकिन उसमें कोई गुण धर्म उपाधि है ही नहीं तो कारण कैसे बनेगा। चलो माया को मान लो जब तक कारण के कारणता में दृष्टि है तब तक माया है, ऐसा है। तो इसी प्रकार तत्पद का जो लक्षार्थ हुआ वही तम पद का लक्षार्थ है, वही शरीर में भास रहा है साक्षी के रूप से। और साक्षी भी ज्ञान स्वरूप है, संप्रकाश है, परोक्ष नहीं है वो। यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, वो तो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है वो। इसलिए कह रहे एतस्मात, एतस्मात कहने से शरीरादि कारणत्रय पंचकोश है इसका साक्षितया जो भासरा है। एतस्मात संप्रकाशात आत्मना साक्षित साक्षिण आत्मना आकाश संभूत, आकाश से उत्पत्ति हुई। इसमें भी कारणता ये भी आरोपित है। अच्छा, जो कार्य उत्पन्न हुआ उसमें जड़ता का आधिक्य देखा जाता है, इसलिए कारण को कहा गया तम प्रधान। तो कारण तम प्रधान विक्षेप शक्ति, क्योंकि ये नियम है परिणाम कार्य में कारणागुणा कार्य गुणन आरभन्ते। कारण में जो गुण होते हैं वही कार्य में होते हैं, कारण में रहने वाले गुण ही कार्य के गुण को आरंभ करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं असमवायी कारण। मैं एक लोग है ना, जैसे पट में रहने वाला जो गुण है रूपादि गुण है उसका कारण होता है असमवाय कारण तंतुगत गुण रूपादि, है ना, ऐसा मानते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना तो गुण गुणी से भिन्न नहीं होता है, गुण जो है गुणी से भिन्न नहीं होता है, गुण गुणी में कल्पित होता है, गुण की अतिरिक्त सत्ता नहीं होती है। इसलिए हम लोग असमवायी कारण को नहीं मानते, पूर्व मीमांसा लोग भी नहीं मानते, वेदांती लोग भी नहीं मानते, है ना। ये तार्किकों का सिद्धांत है कि गुण का समवायी कारण और अपना आश्रय जो है द्रव्य, ये उनका सिद्धांत है। और वही जो गुण है असमवायी कारण होगा। तो तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात्, तेषु कहने से आकाशादि आकाशादिषु कार्येषु पंच महाभूतेषु कार्येषु जाड्याधिक्य दर्शनात्, जड़ता आधिक्य देखी जाती है। इसलिए कारण में भी ऐसा मानना चाहिए तम प्राधान्यम, इसलिए कारण में तमगुण की प्रधानता है। तत्कारणस्य तम प्राधान्यम तत्सले पंचमहाभूत, पंचमहाभूत का जो कारण है उस कारण में तम प्राधान्य है, तमगुण की प्रधानता है। लेकिन तम प्राधान्य कहा ना, प्राधान्य कहने से क्या हुआ, बाकी गुण भी है, सत्व गुण भी है रजोगुण भी है। इसलिए तदानीम सत्व रजस्तवांसी कारण गुण क्रमेण तेषु आकादेशु उत्पद्यन्ते। इसलिए क्या हुआ, सत्व गुण रजोगुण तम गुण, इसलिए यही यहाँ पर आकाश आदि में दिखते हैं उत्पन्न होते हैं।
यही नियम है। देखो कारण गुण प्रकरण प्रक्रमेण, कारण में जो गुण है थे सत्व आदि वही आकाश आदि पंच महाभूत में दिखते हैं, और पंच महाभूत से होने वाले उस कार्य में भी फिर दिखेंगे। इसलिए सारा कार्य सांख्य लोग ही कहते हैं कि त्रिगुणात्मक है, क्योंकि सुख दुख मोह दिखता है ना। इसलिए सांख्य लोग, योग सिद्धांति वाले लोग इसीलिए सारा कार्य को त्रिगुणात्मक मानते हैं, है ना। वो जो त्रिगुणात्मक है उसी को लोग प्रकृति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। लेकिन उस प्रकृति जो माया है हमारे वेदांत के अनुसार ब्रह्म में कल्पित है, वो अनिर्वचनीय है, वास्तविक नहीं है, वो लोग वास्तविक मानते हैं। एताने एव सूक्ष्म भूताने, ये सूक्ष्म महाभूत है, उसको तन्मात्रा भी कहते हैं वेदांत में। पंचीकरण होने से पहले है ना, स्थूल बनने से पहले जो उत्पन्न हुए है ना, उसको कहते हैं तन्मात्रा, रूप आदि तन्मात्रा भी कहते हैं। सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि अपंचीकृतानि च उच्यन्ते, ये सब पर्याय है। सूक्ष्म महाभूत कह लो, तन्मात्रा कह लो, अपंचीकृत महाभूत भी कह लो, ये सब पर्याय है। और सभी में तीनों गुण है, सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। लेकिन तमोगुण की प्रधानता होती है। ये क्रम को बता रहे हैं, सृष्टि का क्रम। बोलते सृष्टि का क्रम क्यों बता रहे हो? सृष्टि को जानने पर क्या है, क्या मुक्ति होगी? आत्मा के ज्ञान से तो मुक्ति होगी, सृष्टि का ज्ञान से तो मुक्ति होगी नहीं। हैं, तो कहते हैं कि सृष्टि के कथन का तात्पर्य सृष्टि में नहीं होता है, अन्न में होता है ना। फिर कहाँ पर होता है? आत्मज्ञान में ही होता है, कोई सृष्टि क्रम का के लिए बहुत अतिरिक्त फल नहीं होता है, आत्मज्ञान का फल कहा गया। तरति शोकम आत्मविद कहा गया, ज्ञान अतएव तो केवलम कहा गया। तो फिर सृष्टि का कथन करने पर क्या होता है? जो कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है ना, इस ये जब ज्ञान होगा, कार्य का ज्ञान होने पर कारण का भी ज्ञान होगा, और कार्य मिथ्या होने से उस परब्रह्म में कारणता भी वास्तविक धर्म नहीं है ना, इसलिए वो कारण कार्य से रहित आत्मा है, और वही मेरा स्वरूप है। तो ये तम पदार्थ का शोधन हो जाएगा, मेरा स्वरूप कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है ना, और मैं ब्रह्म से अभिन्न हूँ, जिसको सदैव सभ्य कहा गया। इस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, ये प्रक्रिया है। एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते, एतेभ्य कहने से अपंचीकृत पंच महाभूतेभ्य, अपंचीकृत पंच महाभूत से ये सूक्ष्म शरीर भी बनते हैं। और स्थूल भूत भी बनता है, ये सब उत्पन्न होते हैं कहाँ से भाई? अपंचीकृत पंच महाभूत तन्मात्रा से सब बनते हैं। ये जो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं, लिंग शरीर। और इसमें अवयव है, 17 अवयव है, ये सब तत्वबोध आत्मबोध में आप लोग सुने होंगे। सूक्ष्म शरीराणि सप्तदशावयवानि लिंग शरीराणि, ये शरीर कहा गया है। जब आत्मज्ञान हो जाता है
तो ये सूक्ष्म शरीर का ही बाध हो जाता है, अपने उपादान में लीन हो जाता है। इसलिए इसको कहा गया शरीर, शीर्यते इति शरीरम, और स्थूल शरीर की अपेक्षा ये सूक्ष्म है ना। तो चक्षुरादि इंद्रिय का विषय नहीं होता ये, इसलिए इसको सूक्ष्म कहा गया। सूक्ष्मम च तत् शरीरम, सूक्ष्म शरीरम। और इसमें जो है अवयव 17 होते, 17 सप्तदश अवयवानी। और इसको लिंग शरीर भी कहते हैं। लिंग शरीर इसलिए कहा गया कि लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, जैसे धूम को लिंग बोलते हो, छुपी हुई वर्ण्य वस्तु को बोध करा देता है धूम, इसलिए धूम को कहते लिंग, ज्ञापक हेतु। इसी प्रकार जो शरीर है चक्षुरादि, ये भी ज्ञापक लिंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी सूक्ष्म शरीर से आत्मा जो सूक्ष्म है उसका ज्ञान कैसे हो जाएगा? छुपा हुआ है आत्म तत्व, उसका ज्ञान सूक्ष्म शरीर से कहाँ होगा? उसको कहा अवांग मन से गोचर, वाणी मन का विषय ही नहीं, तो सूक्ष्म शरीर से कैसे जानोगे आत्म तत्व को? है ना, कोई संबंध ही नहीं बनेगा। सूक्ष्म शरीर का संबंध तो बनेगा नहीं, फिर आत्मा को कैसे जानोगे आप? नहीं जानोगे तो फिर जो है शरीर को लिंग शरीर कैसे कहा गया भाई? तो केन उपनिषद में कहा गया प्रतिबोध विदितम मतम, सूक्ष्म शरीर के द्वारा चक्षुरादि के द्वारा अंतकण में घटाकार पटाकार वृत्ति रूपी ज्ञान होता है ना। चक्षुरादि नाली के द्वारा मन में रूपाकार वृत्ति हुई, ये ज्ञान है ना, विशिष्ट ज्ञान है। लेकिन समस्त विशिष्ट ज्ञान जिस सामान्य चेतन साक्षी चेतन से प्रकाशित हो रहा है, जिससे स्फुरण हो रहा है वृत्ति रूपी ज्ञान, वो मैं हूं ऐसा तो विचार करने के लिए सूक्ष्म शरीर भी साधन बनता है। और विचार से वो साक्षी का ज्ञान होता है, लक्षित होता है, इसलिए इसको लिंग शरीर कहा जाता है। जो है छुपा हुआ अर्थ है साक्षी संप्रकाश, उसका ज्ञान का साधन बनता है लिंग शरीर। तो सप्तदश अवयवा ने कहा 17 अवयव है। अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, 5 ज्ञानेन्द्रिय होते हैं जानते हो, चक्षुरादि, आगे बताया जाएगा। बुद्धि है मन, ये अंतकरण है। कर्मेंद्रिय पंचकम और वायु पंचकम, प्राण पंचकम, तो कितने हो गए भाई? 17 हो गए ना। ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, पंच प्राण और मन बुद्धि, 17 हो गए। और कोई कोई चित्त अहंकार को मान लेते तो 19 हो जाएगा। लेकिन चित्त अहंकार का अंतर्भाव बुद्धि मन में हो जाएगा, बुद्धि मन में हो जाएगा ना। तो अहंकार का अंतर्भाव, अहंकार का अंतर्भाव कहाँ पर होगा? बुद्धि में हो जाएगा, क्योंकि अहंकार का भी तो निश्चय हो रहा है ना। अहंकार वृत्ति हो और उसका निश्चय न हो तो मैं का तो निश्चय सर्वदा होता ही है। इसलिए बुद्धि में अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि निश्चात्म का वृत्ति विशेष यही तो बुद्धि है ना। और जो है चित्त का अंतर्भाव, चित्त का अंतर्भाव कहाँ पर होगा? चित्त का अंतर्भाव जो है ना, मन में भी होता है और बुद्धि में भी होता है, दोनों में होता है। कबल आप इतना सुने हैं कि मन में होता है, लेकिन दोनों में होता है, ठीक है ना। कैसे? स्मरणात्मिका वृत्ति को क्या बोलते हैं? चित्त कहते हो।
सच में ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यथार्थ भी हो सकती है और अयथार्थ भी हो सकती है, होगी कि नहीं होगी, दो प्रकार से तो होती है ना। हाँ, दो प्रकार से हो जाएगी। चित्त से यदि क्या है, चित्त का यदि निश्चात्म का हो जाएगी, हाँ क्या हो जाएगी, मैंने स्मरण तो किया था ही, देखो ऐसा हो रहा है ना, मैंने तो स्मरण किया था ही, है ना, ऐसा यदि हो जाए, यथार्थ यदि हो जाए तो उसका अंतर्वाह बुद्धि में करते हैं, ऐसा है ना, इस प्रकार है। क्योंकि ये स्मरण जो होता है ना, स्मरण जो हो रहा है, स्मरण जो हो रहा है, हाँ ऐसा है, यदि संसात्मिका यदि हो जाएगी, संस्यात्मिका ये हो जाएगी, वो मन में करते हैं उसको, जन्म है ना। और निश्चात्मिका यदि हो जाएगी चित्त से, तो उसका अंतर्भाव कहाँ पर करेंगे, बुद्धि में करते हैं, ऐसा है। ठीक है, संसात्मिका यदि स्मृति हो जाए तो कहाँ पर करेंगे, तो ये मन में करेंगे। और निश्चात्मिका यदि स्मरण हो जाए तो उसको कहेंगे बुद्धि में, ऐसा करते हैं। तो ये 17 हो गए। ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्र त्वक् चक्षुर्जिह्वा घ्राणाख्यानि, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय हो गए। अच्छा, एतानि आकाशादीनां सात्विक अंशेभ्यो व्यस्तेभ्यो पृथक् पृथक् क्रमेण उत्पद्यन्ते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ओम शांति शांति शांति।